Good morning, students. Once again, we are going to meet for the same subject English and for the same topic, that is Aesop Fables. You already learnt the two stories in this. First story was Stag in the Pool, and the second one was The Dog in the Manger. We already studied that. Today we are going to see some of the meanings of difficult words. Okay, now let's start with the first meaning. You can see here fables. I told you, what do you mean by a fables? Fables means a short story. Dekhiye, a short story often with animals as characters. मैंने आप लोगों को बोला था फेबल्स वो रहती है जो शॉर्ट स्टोरी रहती है और उसमें ज़्यादातर एनिमल के कैरेक्टर्स रहते हैं, वैसी स्टोरीज को हम लोग फेबल्स बोलते हैं. नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन इज डिलाइटेड. डिलाइटेड मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश होना. डिलाइटेड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ज़्यादा खुश हो जाना, उसमें हम लोग एक्सट्रीमली, ज़्यादा का मतलब एक्सट्रीमली एंड प्लीज्ड मतलब खुश होना. सी स्टैग. स्टैग मीन्स अ मेल डियर. मेल डियर, टू टाइप्स ऑफ डियर आर देयर, वन इज फीमेल एंड मेल. मेल डियर जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं. रिफ्लेक्शन, द इमेज ऑफ समथिंग इन द मिरर और वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय अ रिफ्लेक्शन? Reflection means two type of reflections are there. That one is when you see in the mirror, there is a reflection of our, and the second one is in the water. मतलब जब भी हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर में क्या रहता है, हमारा रिफ्लेक्शन रहता है. वैसे ही जब हम पानी में देखेंगे तो पानी में भी क्या दिखता है, अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन. देन एंटलर्स. एंटलर्स मीन्स वॉट? हॉर्न्स. जैसे मैंने तुम लोगों को वो पिक्चर में बताया था स्टैग के सिर के ऊपर कितने बड़े बड़े सिंग थे. हाँ, दैट हॉर्न्स दैट ग्रो ऑन द हेड ऑफ मेल डियर. मेल डियर के सर पे जो सिंग उगते हैं उस सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटलर्स. दैट स्पिंडली. स्पिंडली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थिन, जस्ट लाइक द स्टैग्स लेग. स्टैग के जो पैर थे वो कैसे थे, लॉन्ग एंड थिन, बहुत ही पतले थे और बहुत लंबे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे. नाउ स्टेटली. स्टेटली मीन्स ग्रैंड इम्प्रेसिव हॉर्न्स. जो हॉर्न्स थे उसके स्टैग के आपने देखे होंगे, मैंने बोला था वो बहुत ब्यूटीफुल था और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसको प्राउड फील हो रहा था. तो वही स्टेटली ग्रैंड. ग्रैंड मतलब कि बहुत ही अच्छा होना, बहुत ही ब्यूटीफुल होना, बहुत इम्प्रेसिव होना, कोई भी उसे देखे तो तुरंत इम्प्रेस हो जाए, वैसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटली. देन ब्रूडिंग. थिंकिंग सैडली फॉर लॉन्ग टाइम. ब्रूडिंग मीन्स टू थिंक सो मच, बहुत ज़्यादा सोचना और लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए सोचते रहना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रूडिंग. देन बाउंडेड, टू रन विद लॉन्ग स्टेप्स. बाउंडेड मीन्स टू रन विद लॉन्ग स्टेप. जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि स्टैग जो है जब वो भाग रहा था हंटर से तो वो बड़े बड़े स्टेप लेके भाग रहा था, लॉन्ग लॉन्ग स्टेप ही वो टेकिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड. देन थिकेट. थिकेट आप लोग को अच्छे से याद होगा, थिकेट मैंने आपको बताया था. थिकेट मीन्स वॉट? देर आर सो मैनी ट्रीज एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही एक दूसरे के पास पास में होते हैं, वैसे जंगल को हम लोग थिकेट बोलते हैं. सी हियर, अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टूगेदर, या फिर बोलेंगे क्लोज, एक साथ में एक जगह जमा हो जाते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे बुशेज, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज जमा हो जाते हैं, वहाँ से जाने के लिए जगह नहीं रहती, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकेट बोलते हैं. जिसके अंदर आपने, मैंने आपको बताया था स्टैग जो है वो फंस गया था, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एंटलर्स. नाउ एंटेंगल. व्हाट डू यू मीन बाय एंटेंगल? गॉट कॉट इन समथिंग.
गॉट कॉट इन समथिंग मतलब किसी में जाके फंस जाना. एंटेंगल मीन्स टू मतलब एक जगह जाएंगे हम लोग जहाँ पे गए तो फंस गए, जैसे कि स्टैग फंस गया था तो उसको क्या बोलेंगे, एंटेंगल. नाउ वी आर गोइंग टू सी द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, थोड़े से ध्यान दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स. हु वाज द पर्सन हु टोल्ड दिस फेबल्स. मैंने बताया था सबसे पहले कि सबसे पहले कौन इंसान था जिसने फेबल्स बताए थे. यू नो इट, द आंसर इज एसप. एसप वाज अ वाइज मैन एंड ही टोल्ड द फेबल्स फर्स्टली. आई टोल्ड यू दैट. सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ एंड व्हाई. स्टैग को अपने बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद थी और क्यों. सी, क्या पसंद था आपको मालूम है, मैंने बताया था कि उसको उसके एंटलर्स के ऊपर बहुत प्राउड था, उसके हॉर्न्स के ऊपर बहुत प्राउड था. देन द स्टैग लाइक हिज ब्यूटीफुल कर्विंग एंटलर्स एंड ही फाउंड दैट दे लुक ग्रेसफुल एंड एडेड टू हिज ब्यूटी. उसके उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, उसके एंटलर्स पसंद थे. देन ही फाउंड दैट दे लुक ग्रेसफुल. Why he was happy by seeing his antlers? Because he was finding it very graceful. Graceful means like a grand, impressive. And added to his beauty, he was thinking that these antlers are adding in my beauty. So he was very happy at that. And then see the third question: why the stag was unhappy? Then why the stag become unhappy? You know it very well because he come to know that hunter is going to come and he is going to stuck in the thicket. And he was thinking like my legs are very long and very thin. तो उसे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर इतने एकदम पतले हैं और एकदम लंबे लंबे हैं, लेकिन मेरे एंटलर्स इतने सुंदर हैं. He was thinking that only. So why he was unhappy? The stag was unhappy with his legs. He was not happy with his head. Legs and he found them ugly and spindly. What he was thinking, ugly means एकदम खराब दिखना, कुरूप दिखना, उसको बोलते हैं ugly. And spindly, what do you mean by spindly? मैंने बताया था very long and thin, बहुत लंबे और पतले होना. उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर बहुत लंबे और बहुत लंबे और पतले हैं, तो he was not disliking it. Okay, and being small feet, और वो बहुत छोटे छोटे फीट से मतलब छोटे छोटे वो पैर लेके चलता है, तो मुझे वो पैर पसंद नहीं है. देन फोर्थ वन, हाउ डिड द स्टैग नो दैट द हंटर्स वर नियर बाय. हाउ द स्टैग कम टू नो दैट हंटर इज कमिंग. लेट्स सी, द स्टैग न्यू दैट द हंटर्स वर नियर बाय बिकॉज ही हर्ड देयर एरोज. उसने क्या सुना, उसके एरो की आवाज़ सुनी स्विश करके. जो मैंने आपको बताया था उसका आवाज़ कैसा था, स्विश करके आया था. ही कम टू नो बाय द एरो टू स्विश अक्रॉस द पूल, बिकॉज वो वहाँ से पूल के पास से अचानक से स्विश करके निकला. एंड ही ऑल्सो पिक्ड अप देयर सेंट. एंड यू नो इट वेरी वेल कि एनिमल्स जो रहते हैं उन लोग को जल्दी से उनकी पहचान हो जाती है, कैसे, उनकी स्मेल से. जैसे आजू बाजू में कोई आ रहे हैं, हंटर्स आ रहे हैं या कोई प्राणी भी आता है तो उनको तुरंत पता चलता है. सो वी डिड ऑल द मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर फॉर द फर्स्ट स्टोरी दैट इज द स्टैग एट द पुल. ये सारे जो मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टैग एट द पुल के. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर फॉर द सेकेंड स्टोरी दैट इज द डॉग इन द मैंजर. Now you don't have to write from this video. I am going to give you one worksheet over it after this video. Thank you so much, students.